मैं आई तो लोगों ने कहा यूपी में बाबा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक बात मैंने कही, मैं बुंदेलखंड से आती हूँ, मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा बुंदेलखंड में लगता है, आप सब जानते हैं, मैं उस बुंदेलखंड को जीती हूँ, उस बुंदेलखंड से आपके बीच आकर के खड़ी होती हूँ। उस बुंदेलखंड पर जब प्रश्न उठा और वो प्रश्न क्या था, वो आरोप था जिसका उत्तर मैंने दिया, और वो उत्तर क्या था, वो खंडन था जिस खंडन को आप तक पहुंचाया। खाकी उपस्थित है, मेरी नजर बार बार आप पे जा रही है, लोग बहुत सारी टिप्पणियां आप पे करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। अभी दो दिन पहले एक बहुत अच्छी, एक सुखद, हालांकि घटना बहुत अप्रिय थी, देश के किसी भी कोने में इस प्रकार की घटना हो वो अप्रिय ही होती है, घटना होने से दिल दहल जाते हैं, आत्मा सहम जाती है, और वो घटना घटी। लेकिन एक पुलिस वाले ने आकर के इस बात को आगे बढ़कर के इस बात को कहा कि वो उस बेटी को गोद लेना चाहते हैं। जब वर्दी के साथ संवेदनाएं दिखाई देने लगे तो ये समझ लीजिए कि देश बदल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, वहां तक धन्यवाद पहुंचे तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा चार पंक्तियां पहले आपको, कि लहू में लावा होगा उसके दिल में आग रही होगी। जितनी वर्दियां यहाँ उपस्थित हैं, जितनी वर्दियां वहां पे भी मुझे दिखाई दे रही हैं, जितनी खाकी यहाँ उपस्थित है, मैं इनकी बात आप तक पहुंचाती हूँ, कि लहू में लावा होगा इनके दिल में आग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी, और हम सपनों के रंग महल में सोए होंगे, लेकिन हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी, कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। तो वो पिछले दिनों कुछ पंक्तियां आई, यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं जोगीरा सारा रारा करूं, आप सब तैयार हैं मेरे साथ जाएंगे, कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, तालियों के साथ सुनना है, ऐसे नहीं साथ साथ, कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, रिदम में साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। आप सबको सारा रा रा साथ में बोलना है, तभी मैं अपने आगे के और जोगीरा आप तक पहुंचाऊंगी। एक मौका फिर देती हूँ, सुनिएगा, कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो हाँ। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, मोदी जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, याद आया हाँ, तो सुने कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। और एक बात पर आप सब झूम जाएंगे, जो बात मैं कहने जा रही हूं वो बहुत जरूरी भी है, और झूमिएगा कि ब्रज मंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रज मंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रज मंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। ज्ञान बाप के शिव शंभु ने सुन ली अरज हमारी, ज्ञान बाप के शिव शंभु ने सुन ली अरज हमारी,
तालियां बजाइए कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के द्वार में प्रेम कहते नहीं, ये उम्र है भजन की। भजन रामपाल जी कि ये श्रोता ये सुनना चाह रहे हैं। मैं तो सोच रही थी राष्ट्रभक्ति में ये वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये तो युवा थोड़े दूसरे ही तरह के। इनसे मैं इतनी देर से कह रही हूँ, देखिए पढ़ मैं रही हूँ, वीडियो वहां बनाया जा रहा, मेहनत मैं कर रही हूँ। अच्छा ये वही लोग हैं कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए। और सुने बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। ताली वाली बजाते रहिए, बस केवल ताली, और कुछ की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम हास परिहास विनोद व्यंग से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारी सीमाएं कितनी प्रगाढ़ हैं। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं और आप तक पहुंचती हूं। स्नेहा आपकी ओर से आप तक, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। हाँ, ये समझदार श्रोता है। जिसे दिल जान ना पाए, बीच में नहीं करना, जब मैं पढ़ू तब बाबा आनी चाहिए। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो होना है मुमकिन, गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। चाहे आप ये मान लीजिए कि आपसे आपके खुद के आपके अपने विक्रम जी कह रहे हैं या नेतृत्व का कोई भी व्यक्ति कह रहा है, मैं कह रही हूं, चाहे ये मान लीजिए कि आप हमसे कह रहे हैं, है मुमकिन गलतियों से गलतियों आप तैयार रहना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। मुझे देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर के हो चुके हैं और अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है और आपकी कोई प्रेयसी भी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ। इसलिए प्रेम करते रहिए, देश से करिए, भगवान से करिए, बाऊ जी से करिए। बेचारे सहम के बैठ गए। अच्छा पटका ऐसे डाल रखा है, सबने डाला लेकिन उनका इतना चमक रहा है, मैं तो डर ही गई। दिल्ली के निकट से आती हूं, अब किसी को गले में मफलर डाले देखती हूं तो ऐसे लगता धरने पे बैठ गया। हाँ वो अति उत्साह में रहते हैं, नहीं वहां तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। सुने वो अति उत्साह में रहते हैं, वो पिछले दिनों आंधी तूफान आया तो उड़ते उड़ते एक पेड़ से चिपक गए। जब तूफान शांत हुआ तो उतरते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार। वो पिछले दिनों हरियाणा की नारियों ने जब देश के गौरव में गौरव बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, तो सार्वजनिक रूप से आए मंच पे और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था। हाँ, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार।
वह चार कमरों के फ्लैट में रहते हैं, एक में बीवी और बच्चों सहित खुशी से रहते हैं, तीन में मोदी जी के खिलाफ उन्होंने सबूत इकट्ठे करके रखे। लेकिन एक बात कहती हूं, जिस देश में सेना के शौर्य के प्रमाण मांगे जाएं, जिस देश में हमारे शौर्य के प्रमाण मांगे जाएं, भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाएं, उस देश में जवाब देना बहुत जरूरी है। और आप सब जानते हैं कि कौन है जो राष्ट्रवाद को सहेज के रखे हुए है, कौन है जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सहेजने का कार्य किया है, कौन है जिसके लिए आज मैं भी खड़े होकर के काव्य पाठ कर रही हूँ। आइए मैं उसी धरा पर आती हूँ, वही धरा आप तक पहुंचाती हूँ। जो तुम जाते हो तो सुख के, अच्छा क्या दिखाया है आपने, बढ़िया सुन रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहां पर कृष्ण का वर्णन किया जाता है जब प्रेम की बात होती है। और आप हिंदुस्तानी नारी से प्रेम करते हैं तो ये मान के चलिए कि हिंदुस्तानी नारी अपने प्रेम को कैसा मान देती है, वो बात कहती हूँ, फिर इन पंक्तियों को पूरा करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। सुनना, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, सही जगह, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब हार तैयार है, न राधा सा न मीरा सा विरह बनू मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। क्या बात, ये संस्कार हमारे इस देश के हैं जहां सात फेरों को मान्यता दी जाती है। बनू मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बाबूजी आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो। अब मानती हूँ समर्थन आपका, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते। आभार। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। और आपने जो बात कही थी वो कहती हूँ, अक्षर साहब वही बात कहती हूँ, आपने घोषणा करके बहुत सही किया और आप सबने समर्थन देकर सही किया। उस दृश्य को मैं आपके बीच रखती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है जो हमें बद्दुआएं देता है, हम जानते हैं कि हमारा मुकद्दर कोई और तय नहीं कर सकता।